हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती स्टाइल ट्रेडिशनल मकाई के वड़े। वैसे तो हम ये वड़ा मक्के के आटे से बनाते हैं, लेकिन आज मैंने ये वड़ा एकदम अलग और नए तरीके से बनाए हैं। इसमें मैंने स्वीट कॉर्न यूज़ किया है, इससे ये वड़े का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मकाई वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो स्वीट कॉर्न लिए हैं। इसमें से मैंने एक स्वीट कॉर्न लेके नाइफ से मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं। मैंने बहुत ही कम दाने निकाले हैं। तो ऐसे हम दाने निकाल के जो वड़ा के लिए हम आटा तैयार करेंगे उसमें ये दाने डाल देंगे, इससे वड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने ये दाने निकाल लिए हैं। और बाकी का जो स्वीट कॉर्न है इसे हम ऐसे ग्रेट करेंगे। अगर आप चाहे तो इसके दाने निकाल के मिक्सचर जार में लेके इसे क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। इसे ग्रेट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अब हम इसे जो आटा लगाने का बाउल है उसमें डाल देंगे, और ये जो स्वीट कॉर्न के दाने हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है मक्के का आटा 2 कप, गेहूँ का आटा 1/2 कप, आप इसमें बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, नमक, तिल लिए हैं 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून, शुगर 1 चम्मच, आप गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1/2 कप दही, ऑयल 2 टेबलस्पून। और वड़ा सॉफ्ट बने इसीलिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा ऐड किया है। अब सारी चीज़ें हमें इसमें मिलानी है ताकि ये सारे मसाले अच्छे से इसमें मिल जाए। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो तैयार किया है। मैंने रोटी के लिए जो हम आटा तैयार करते हैं उससे भी थोड़ा सॉफ्ट आटा तैयार किया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट आटा तैयार करना है, और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा आटा ऐसे हाथ में लेके इसके वड़े तैयार करेंगे। वड़ा बनाने से पहले मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये आटा हाथ में चिपक न जाए। अब इस आटे को ऐसे गोल गोल घुमा के लड्डू जैसा बना के फिर इसे 2 हाथ से ऐसे प्रेस करके हम वड़ा तैयार करेंगे। ये वड़ा बनाना बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ये वड़ा साइड में से पतले और बीच में से थोड़े ठीक होते हैं। तो ऐसे करके 5 से 6 वड़े मैंने बना लिए हैं, और ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम मैंने अभी लो रखी है, और ये वड़े इसमें मैंने डाल दिए हैं। जब ये वड़े थोड़े टाइम के बाद ऊपर आएंगे तब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे हमें हल्के ब्राउन कलर के होने तक फ्राई करने हैं। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। मैंने इसमें मक्के का आटा यूज़ किया है तो इसे अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। थोड़े टाइम के बाद ऐसे हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो अब ये वड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। दूसरे वड़े भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। आप ये मकाई के वड़े चाय के साथ
या टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये वड़ा गर्मा गर्म तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन हम इसे ठंडा करके 4 से 5 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। ये ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें।